और अगले साल मॉरिशस का कार्यक्रम है इनका, ये बहुत अच्छा ये बोलते हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, आप इनको सुनेंगे। धन्यवाद, आप लोग बैठ जाए, सभी मेरा सभी से निवेदन है। देखिए मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे तमाम घुमंतू विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास परिषद के लोग यहाँ पर एकजुट हैं। इनकी कुछ मांगे हैं केंद्र सरकार के समक्ष, आइए जानते हैं क्या प्रमुख मांगे। पहले तो आपका परिचय जी। मेरा नाम अमित ओम नागर मावी जी। सर आज आप क्यों आए नई दिल्ली के जंतर जी? जो अंग्रेजों ने 1857 में उनसे लड़ने की वजह से और 6000 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने की वजह से कुछ जातियों को क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया था सन 1871 में, 31 अगस्त 1952 को उन जातियों को डी नोटिफाई फ्रॉम क्रिमिनल कास्ट कर दिया गया। कहने का मतलब आज भी भारत सरकार उन्हें डी नोटिफाइड क्रिमिनल्स यानी भूतपूर्व क्रिमिनल के नाम से जानी जाती है। तो ये हमारा प्रयास है कि जो ये भारत हमारा देश अपने वीरों को अपने शहीदों को भूल चुका है और आज उनके पूर्वजों को अपमानजनक शब्द जैसे कि भूतपूर्व क्रिमिनल के नाम से बोला जाता है, ये समाप्त हो और इसके बदले में हमें फ्रीडम फाइटर ट्राइब के नाम से दोबारा नोटिफाई करा जाए। तो ये हमारी सम्मान की लड़ाई है। आप लोगों को अपमानित किया जा रहा है। अगर आपको भूतपूर्व क्रिमिनल बोलेंगे तो आपको क्या लगता है, आप भी अपमानित फील करेंगे नहीं करेंगे? और हम क्रिमिनल किसके लिए थे? अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के लिए क्यों थे? क्योंकि हमने लड़े नहीं, अपने 8 लाख हमारे लोग मरे हैं, 8 लाख आप इतिहास में पढ़िए, 6000 अंग्रेज मरे हैं और 8 लाख शहीद हुए। अगर भगत सिंह को अंग्रेजों ने टेररिस्ट बोला तो क्या आज भारत उन्हें भूतपूर्व टेररिस्ट बोलेगा या फ्रीडम फाइटर बोलेगा? तो जो शब्दों का हेर फेर है, शब्दों का हेर फेर नहीं है, घोर अपमान है मैडम। अमिताभ बच्चन का याद है आपको, दीवार में मेरा बाप चोर है, तो मेरे हाथ पे ये लिखा हुआ है, मेरे पूर्वज क्रिमिनल है। तो ये शब्दों का हेर फेर नहीं है, ये एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति है और शर्म करनी चाहिए इस भारत को, इस देश को, जिसने उस जातियों को जिन्होंने 8 लाख लोगों की शहादत दी है और पीढ़ी दर पीढ़ी अंग्रेजों से जो उन्होंने टॉर्चर करा है उसको सहा है, आज उन्हें भूतपूर्व क्रिमिनल दे के साइड कर दिया गया है। शर्म आनी चाहिए इस देश को और सम्मान देना कि केंद्र सरकार जिस तरीके से बीजेपी सरकार है समय, तो इन समस्याओं से आप लोगों को छुटकारा मिलेगा? जी, बीजेपी सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, शहीदों का बहुत सम्मान करती है। हमारी सबसे पहले तो जो प्रयास है वो ये है कि हमारे अपने समाज में जो फ्रीडम फाइटर ट्राइब है उसमें जागरूकता है कि आपको क्रिमिनल और अब भूतपूर्व क्रिमिनल क्यों बोला जाता है, जिससे हम सब लोग एकजुट हों और आगे इस लड़ाई को लड़ सकें। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स में 25 करोड़ लोग आते हैं भारत में, 25 करोड़। तो अगर 25 करोड़ में से 10% भी एक हो जाएं तो कोई भी सरकार हो तो नतमस्तक भी नहीं होगी, तो कम से कम सीरियसली बातों को सुनेगी। और अगर कोई जायज को सुन नहीं रही है, नहीं ऐसी बात नहीं है, भारत सरकार ने मोदी सरकार ने इदाते कमीशन बनाया था इन सब प्रॉब्लम्स को देखने के लिए। इदाते कमीशन साहब की रिकमेंडेशन पे उन्होंने एक बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, अभी 200 करोड़ रुपए दिए हैं, बट वो सारी उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की चीज़ें हैं। जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि चलो जब आप पे पैसे जैसे हों, जैसी आपकी पॉलिटिकल विल हो वैसे करते रहिएगा, लेकिन कम से कम हमें भूतपूर्व क्रिमिनल बोल के तो ना बोला जाए। सर अब तो आपके समाज की ही जो राष्ट्रपति बनी गई हैं, क्या लग रहा है कि अब तो आपकी जो समस्या है, आप जो मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होगी, क्योंकि आपके समाज का तीन चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य चंद्र और सत्य। सत्य ये है कि हमारे पूर्वजों ने 8 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उसकी वजह से हमें क्रिमिनल कास्ट 1871 12 अक्टूबर को बनाया गया। इस दिवस को हम काला दिवस के रूप में भी इस साल से बनाना चालू करेंगे। और आज भारत ने आज़ादी के बाद, क्योंकि समय बहुत हो गया था, 81 साल हो गए थे, बड़ी सुविधाजनक भूल के, क्योंकि इतिहास में कहीं इसका वर्णन नहीं था, वो आगे बढ़ गए हैं। तो ये हम अपने पूरी जातियों में इसको चेतना को ला रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को फैला रहे हैं और अपने इतिहास को बता रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है चाहे समय लग जाए जो भी, लेकिन वो दिन एक दिन आएगा जिस दिन सम्मान पूर्वक जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमें फ्रीडम फाइटर ट्राइब का टैग भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा सम्मानजनक तरीके से। नहीं होती मांग तो लड़ते रहेंगे मैम, ये तो जागरूकता की लड़ाई है।
अगर समाज अपने वीरों को, अपने शहीदों को भूतपूर्व क्रिमिनल बोलता रहे अंग्रेजों की भाषा में, तो ये कहीं ना कहीं इस भारत की जागरूकता और कितना लोगों को इतिहास पता है उसके बारे में बताता है। जैसे जैसे लॉ फैलेगी, ये इन्फॉर्मेशन फैलेगी, मुझे पूरा विश्वास है अपने देशवासियों पे, मेरे देश के वासियों को अपने शहीदों का सम्मान करना आता है, लेकिन उन्हें पता तो चले कि हमारे देश के शहीद कौन है, कौन है वो 8 लाख लोग। 1947 की जो लड़ाई लड़ी, 1857 ने उसकी नींव रखी, 8 लाख लोगों ने जान दी है अपने, अंग्रेजों द्वारा मारे गए 8 लाख लोग। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कुर्बानी है, और आप प्रेस से बिलोंग करती हैं, मैं दावे से कह सकता हूं आपको भी इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता होंगी क्योंकि हम निकटतम ही इतिहास देखते हैं, लेकिन 1857 कोई इतना प्राचीनकालीन इतिहास भी नहीं है, 165 साल पुरानी घटना है जो आज इतिहास में मिनिस्ट्री की किताबों में हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, किताबों में पुस्तकों में पढ़ानी चाहिए। आज इतिहास किन्होंने लिखा है, जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो अंग्रेजों के साथ चली हैं कौमें, जिन्होंने उन जातियों को जो लड़े हैं अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें मारा है, उनके बच्चे को क्या दर्जा मिला है ये आप भली भांति जानते हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेज उन्हें अगर किताबों में लिखा जाएगा तो किसका इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन जो इतिहास खून से लिखा जाता है वो मिटाया नहीं जाता और ना भूला जाता है जी। ये देश का दुर्भाग्य है, हमें तो पता है जी, ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे मेरे पूर्वजों ने, श्यामल मावी जी ने, बाबा श्यामल मावी ने, जो पुल आता है यमुना के ऊपर मेरठ से दिल्ली का, 8,000 किसानों की सेना लेके वो पुल उड़ाया था, ये इतिहास के किताबों में दर्ज है। फिर उन्हें फांसी के तख्ते पे पेड़ों पे टांग दिया गया, उनके 8,000 के 8,000 लोगों को, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो मुझे तो क्या सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे तो खून में ये क्रांतिकारी दौड़ते हैं, मेरा तो खून है। लेकिन कहीं ना कहीं देशवासियों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और जो सम्मान आज वो भूले बैठे हैं उस सम्मान को देना चाहिए, इससे उनको भी अच्छा लगेगा। और हमारे देशवासी ऐसे हैं जो अपने शहीदों का सम्मान करना जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हमें फ्रीडम फाइटर ट्राइब के रूप में ये देश देखना चालू करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।